पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में दो साल तक कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने आज मुरादाबाद में भाजपा पर जोरदार प्रहार करते हुए उसे झूठ पार्टी करार दिया है। ओम प्रकाश राजभर केवल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने तो गुजरातियों का नाम लेकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना ही कहना शुरू कर दिया कि इन गुजरातियों ने देश पर कब्जा कर लिया है, और फिर पद गिनाने शुरू कर दिए। चाहे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, ईडी के चीफ गुजराती हैं, सीबीआई के चीफ गुजराती हैं, और भी सर्वोच्च पदों पर गुजरातियों का ही कब्जा है, या ये भी कह सकते हैं कि इस सरकार पर गुजराती व्यापारियों का कब्जा हो गया है। ये गुजराती हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारे आप के बीच में नफरत पैदा करके देश में सियासत कर रहे हैं और देश की संपत्ति बेचकर धंधा कर रहे हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर आज मुरादाबाद मंडल में अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग लेने के लिए पहुंचे थे। मीटिंग के बाद पत्रकारों के सवालों पर सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ने भाजपा पर जमकर भड़ास निकालते हुए उसे कटघरे में खड़ा करने का प्रयास। बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिटेंशन सेंटर कहीं नहीं बना है। आप ही लोगों के चैनल पे दिखाया गया कि 6-6 डिटेंशन सेंटर असम में बने। जब जब चुनाव आप देख लीजिएगा, आज मैं फिर आपके सामने कह के जा रहा हूँ, फिर मिलूंगा, जब चुनाव आ जाएगा तो किसी न किसी देश से युद्ध हो जाएगा। जनता, देश की जनता का ध्यान भटका करके वोट लेने के लिए कि अब देश खतरे में है, पहले सब लोग सरकार बनाओ, नहीं तो देश खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी का बयान है कि हम सत्ता में आने के बाद 1 साल के अंदर राजनीति में अपराधियों को खत्म कर देंगे। अब आज के तारीख में 264 अपराधी संसद में हैं, 264 सांसद अपराधी हैं, और एक एक के खिलाफ मुकदमा देखेंगे तो 100-150 मुकदमे उनके ऊपर लिखे गए हैं, और एक भी नहीं हुआ। ये बीजेपी वो वॉशिंग मशीन है, इधर से अपराधी घुसता है और उधर से निकलता है, एकदम क्लीन होकर निकलता है। अभी आपने देखा शाहीन बाग घटना, देखे दिल्ली का जी। कल तक वो उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, विदेशी थे, और उसमें से कुछ साथी बीजेपी ज्वाइन कर लिए, इधर से हिले हैं और उधर दम क्लीन चिट हो गया। चेला की चर्चा करने से बढ़िया है गुरु की चर्चा हो। जी, जब गुरु ही झूठ बोल रहा है तो चेला तो उसे आगे निकल जाएगा। अभी आपने देखा कि हमको अंदाजा कि 1.25 महीना पहले गुरु का चेला बोला कि 1.25 करोड़ नौकरी हम दे रहे हैं, 1.25 करोड़ रोजगार हम दे रहे हैं प्रदेश में, और 1.25 महीना हो गया, एक चपरासी की भर्ती नहीं हुई। गिनती क्या गिना दिया इन्होंने, इतने झूठा ये सब हैं कि जो नाई की दुकान बंद थी, चाय की दुकान बंद थी, परचून की दुकान, रेडीमेड की कपड़े की दुकानें जो बंद थी उसी को खोलवा दिया, और मनरेगा, जिस मनरेगा की चर्चा देश के प्रधानमंत्री जब सत्ता में नहीं थे तो दिल्ली की पार्लियामेंट में कहा करते थे कि ये कांग्रेस गड्ढा खोदवा के रुपया लूट रही है, आज उसी मनरेगा में जो लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं उसी की गिनती गिना दिया योगी जी, जो गुरु गुरु चेला लोग हैं। तो ये दोनों गुरु चेला लोग एक नंबर के झूठे हैं, और ये देश को, प्रदेश को बेचने की तैयारी में हैं। मोदी जी कहते कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया। हम आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में खाली बता दो, एक अस्पताल का आपने उद्घाटन किया हो, एक कोई फैक्ट्री लगा करके उसका उद्घाटन किया हो आपने, और कांग्रेस, कांग्रेस ने जो लगाया आप बेच किसका रहे हो, ये तो कांग्रेस की देन है ना। ये जितना काम कांग्रेस ने किया है उसका अगर 1% भी आप काम करते तो कहने लायक थे, आपने कुछ नहीं किया, कांग्रेस की बनाई हुई संपत्ति को आप बेच रहे हो और कह रहे हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इधर 682 हत्याएं खाली ब्राह्मण की हुई हैं, इस सरकार में 682 हत्याएं खाली ब्राह्मण की हुई हैं, और उसमें ऐसे ऐसे लोगों की हत्या हुई है जिनकी उम्र 16 साल, 17 साल, 18 साल, जिनके ऊपर 107-16 के भी मुकदमे नहीं है, ऐसे लोगों की हत्या हुई है। इस नाते लोगों का ध्यान जागरूक कौम है, अपने ऊपर हो रहे जुल्म जाति अत्याचार के लिए खड़ा हुई है, इस नाते आज सब जगह चर्चा उसकी हो रही है। क्या कहें, ब्राह्मण विरोधी होती जा रही है सरकार। अब सरकार जिस तरह काम कर रही है वो तो दिख रहा है, क्या लगता है 100% वो दिख रहा है भाई। आज टारगेट करके आप एक जाति की हत्या क्यों करा रहे हो, ये जागरूक है, इनकी दिखाई दे रहा है, ये बोल रहे हैं, लेकिन वही पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की हत्या हो रही है वो बोल रहे हैं, गूंगे बाहरे बैठे हुए विधायक सांसद हैं वो बोल रहे हैं, इस नाते उनका उजागर नहीं हो रहा है। प्रतिनिधि चाहे वह विधायक हो चाहे सांसद हो, किसी की भी बात
ना दरोगा सुन रहा है, ना सीओ सुन रहा है, ना तहसीलदार, ना एसडीएम, ना डीएम, ना एसपी, कोई सुन नहीं रहा है। अगर वो फोन भी करता है किसी सही बात के लिए तो अधिकारी कहते हैं जाके मुख्यमंत्री से हमारा ट्रांसफर करा दो। मुख्यमंत्री कहते हैं किसी जनप्रतिनिधि की बात मत सुनो, अपने मन से काम करो। कार्यकर्ता लात खा रहा है। अब जो रात दिन झोला डंडा लेकर के बीजेपी का ढोया और उसी को पुलिस चार झापड़ मार करके बैठावे 10 जने के सामने, तो क्या करेगा? बीजेपी में रहेगा? वो छोड़ के नहीं भागेगा? पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।